अभी रिसेंटली मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे 2-in-1 लैपटॉप वगैरह पे, और अभी रिसेंटली मुझे एक और भी नया लैपटॉप देखने को मिला जो है लिनोवो की तरफ से, लिनोवो फ्लेक्स, और ये भी 2-in-1 टाइप का लैपटॉप है। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसी लैपटॉप की स्पेक्स पे चर्चा। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इस स्पेस पे चर्चा वाले एपिसोड्स में हम बातें करते हैं तरह तरह के जो नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए उनके स्पेसिफिकेशन के बारे में, और मैं आपको एक कंपैरिजन करके भी बताता हूँ जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है टेक मार्केट में वो क्या वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं है। जो नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ इससे आपको एक आइडिया मिल सकता है कि वो आपको खरीदना है या फिर नहीं खरीदना है। हेलो गाइस, आई एम विशाल एंड वेलकम टू अनदर टेक्सॉनिकल वीडियो। दिस चैनल इज ऑल अबाउट टेक टिप्स एंड रिव्यूज। अब शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैंने उसी वेरिएंट को कंसीडर किया है जिसमें i5 का प्रोसेसर लगा हुआ है, और इसका मॉडल नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हो अभी, और साथ में मैं इसको कंपैरिजन भी करके दिखाऊंगा। सबसे पहली बात, प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है, वो है इंटेल का i5 11th जनरेशन प्रोसेसर जिसका मॉडल नंबर है 1135G7, और साथ में उसमें 4.2 GHz का आपको टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है, तो बिल्कुल लेटेस्ट वाला प्रोसेसर लगा हुआ है। दूसरी चीज, रैम यहाँ पर जो लगी हुई है वो है 8GB की DDR4 3200 MHz की रैम यहाँ पर लगी हुई है। और साथ में एक और प्रॉब्लम क्या है कि रैम जो है सोल्डर्ड रैम है, तो आप इसको रिप्लेस नहीं कर सकते, कोई और स्लॉट नहीं देखने को मिलता है, तो एक्सपेंडेबल रैम इज़ नॉट सपोर्टेड एक्चुअली। दैट इज़ वन पॉइंट, इसको हम नोट करके रखते हैं। और अब अगली बारी है कि SSD कौन सी लगी हुई है, वो है 512GB की नॉर्मल SSD लगी हुई है जिसकी ट्रांसफर रेट आपको 500 से 1000 MBPS के बीच में ही मिलेगी। इससे ज़्यादा मिलने की उम्मीद नहीं है क्योंकि यहाँ पर NVMe टाइप सपोर्टेड SSD नहीं लगी हुई है। अगली बात करते हैं, यहाँ पर ग्राफिक्स कौन सा लगा हुआ है, वह है वही सेम टू सेम आयरिस एक्सी का ग्राफिक जो कि 4GB की कैपेसिटी होगी, और बहुत ही हाईली इंटेंसिव डेडिकेटेड ग्राफिक्स तो इसमें नहीं है। इसका एक और वर्जन भी है जिसमें ग्राफिक्स वगैरह है, तो उसका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर हम पार्टिकुलर जो 65,000 का बजट है उसको ही कंसिडर रख के उसी वाले मॉडल के कंपेरिजन में कर रहे हैं। अगली बात करते हैं डिस्प्ले टाइप की, यहाँ पर IPS लेवल का ही फुल HD रेजोल्यूशन का 14 इंच का डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है जो कि ग्लॉसी टाइप है, और साथ में 250 निप्स की ही ब्राइटनेस यहाँ पर देखने को मिलती है, तो आउटडोर यूजेस के लिए परफेक्ट तो नहीं हो सकता है, लेकिन ठीक ठाक सा डिस्प्ले ऑलमोस्ट जितने भी लैपटॉप इस प्राइस पॉइंट पे आते हैं सभी में यही वाले पैनल आपको देखने को मिल जाते हैं। वायरलेस एरिया नेटवर्क जो सपोर्टेड इसमें स्टैंडर्ड, वो AX और AC दोनों हैं, तो यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, ये नॉर्मल जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड है। अगर आपके पास कोई फाइबर नेट वगैरह का है केबल, तो आपको पूरी GBPS वगैरह की स्पीड देखने को मिलेगी क्योंकि गीगाबिट सपोर्ट है यहाँ पर। अगली बात करते हैं हम यहाँ पर बैटरी और पावर अडाप्टर की, तो बैटरी यहाँ पर 52.5 वाट आवर की बैटरी है, और साथ में आपको मिलता है 65 वाट का फास्ट चार्जर, वो एक काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, और लिनोवो का ऐसा क्लेम है कि 80% तक की चार्जिंग आपको सिर्फ 1 घंटे में देखने को मिल जाएगी, वो एक इसका एडिशनल एडवांटेज भी है। और अब बात करते हैं कनेक्टिविटी ऑप्शंस की, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ये लैगिंग लगा, यहाँ पर एक USB टाइप सी का डेटा ट्रांसफ़र वाला जनरेशन 1 का जो है टाइप सी पोर्ट है जिसमें पावर डिलीवरी का ऑप्शन है, तो आप USB टाइप सी से भी अपने लैपटॉप को चार्ज तो कर पाओगे, लेकिन थंडरबोल्ट 4 का सपोर्ट USB टाइप सी में देखने को नहीं मिलता है, वो एक थोड़ा सा ड्रॉबैक तो मुझे लगा। साथ में इसमें HDMI कनेक्टर वगैरह सब कुछ वो लगे हुए हैं, ऑडियो फोन जैक और माइक्रोफोन जैक जैसे कि हर एक लैपटॉप में होते हैं वो भी हैं, और 4-in-1 टाइप के कार्ड रीडर भी देखने को आपके इस लैपटॉप में देखने को मिल जाएगा। और अब एक आखिरी बात, यहाँ पर एडिशनल जो बेनिफिट्स हैं वो क्या मिलते हैं, साथ में आपको डिजिटल पिन मिलती है, तो एक्चुअली में एक्टिव पिन आपको साथ में मिलती है इनबॉक्स एसेसरीज में, वो मुझे लगता है काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि थोड़े से लैपटॉप्स हैं उसमें नहीं भी मिलती, उसकी भी हम बात करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर आपको डिजिटल पेन देखने को मिलता है, और उसको आप हुक भी कर सकते हो अपने लैपटॉप में कैरी करते वक्त। इसका जो प्राइस है अमेज़न पे वो अभी है 66,400 रुपीज़, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इस मॉडल नंबर की मैं बात कर रहा था। और इस प्राइस पॉइंट पे हमारे पास थोड़े और भी लैपटॉप अवेलेबल हैं, एक तो है ASUS का VivoBook Flip 14 और दूसरा है HP Pavilion X360। इन दोनों ही वीडियोस को मैंने बना रखा है स्पेक्स पे चर्चा वाले ही एपिसोड, यहाँ पर आप जाकर क्लिक करके वो वाले वीडियोस भी देख सकते हो। तो अगर मैं कंपैरिजन में कर दूँ ASUS के साथ, तो ASUS के साथ में जो VivoBook Flip 14 है
अगर लिनोवो का फ्लेक्स को कंपैरिजन किया जाए तो ये कहीं भी स्टैंड नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि एक तो थंडरबोल्ट 4 का सपोर्ट मिसिंग है, लिनोवो में वो चीज़ आपको देखने को मिलती नहीं है, जबकि एसुस में आपको थंडरबोल्ट 4 का सपोर्ट देखने को मिलता है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो रैम है ना वो एसुस से थोड़ी सी डाउन है। एसुस वीवो बुक फ्लिप 14 में आपको रैम देखने को मिल जाती है 4200 मेगाहर्ट्ज़, ऑलमोस्ट उससे भी ज़्यादा की रेटिंग वाली रैम वहाँ पे देखने को मिलती है, और उसमें एक्सपेंडेबल भी है। तो ये भी एक ड्रॉबैक यहाँ बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर रैम सोल्डर्ड होने की वजह से लिनोवो में थोड़ी सी समस्या हो सकती है। और एक और पॉइंट मुझे लगा कि जो एसुस में है वो NVMe टाइप की SSD है वहाँ पर, तो काफ़ी फास्ट SSD लगी हुई है, जबकि लिनोवो में आपको एक नॉर्मल SSD PCIe नॉर्मल जनरेशन फर्स्ट जनरेशन वाली SSD लगा के यहाँ पर मिल रहा है, तो वो काफ़ी फास्ट तो नहीं है कंपेयर टू एसुस के। एसुस का जो SSD लगा है वो काफ़ी फास्ट है। और अगर अब हम प्राइस फैक्टर को भी कंसीडर करते हैं तो मुझे लगता है कि लिनोवो ऑलमोस्ट 1000 या 1500 रुपीज़ एसुस वीवो बुक फ्लिप से ज़्यादा ही है। तो अगर आपको ऐसे 65,000 के बजट में कोई 2-in-1 लैपटॉप लेना है तो एसुस वीवो बुक फ्लिप 14 इज़ द बेस्ट चॉइस, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे लिनोवो का ये लैपटॉप थोड़ा कम जस्टिफाई करता है चीज़ों को। अगर आप बाकी चीज़ें कंपैरिजन करो, इन तीन चीज़ों को छोड़कर SSD, रैम और थंडरबोल्ट 4 का सपोर्ट, इन तीनों को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें आइडेंटिकल हैं दोनों ही लैपटॉप में। आपको इवन वेट फैक्टर भी सेम टू सेम 1.5 kg का देखने को मिलता है। सेम टू सेम IPS ग्लॉसी टाइप का ही डिस्प्ले है, दोनों में ही 250 निट्स की ब्राइटनेस है, तो इस केस में ASUS VivoBook Flip 14 इज़ मोर वैल्यूएबल। और अगर आपको थोड़ी सर्विस अच्छी चाहिए तो HP Pavilion X360 इज़ नॉट ऑल्सो अ बैड ऑप्शन, वो उतना ख़राब भी नहीं है, हालांकि उसमें आपको एक्टिव पेन साथ में नहीं मिलता इनबॉक्स में, वो एक प्रॉब्लम है। लेकिन इस एसुस और लिनोवो के दोनों ही लैपटॉप में आपको एक्टिव पेन वगैरह साथ में मिलता है इनबॉक्स एसेसरी की तरह, तो वो एक काफ़ी अच्छी बात होती है। तो फाइनल वर्डिक्ट मेरा यही रहेगा कि अगर आप इतने 65,000 के बजट पर कोई लैपटॉप 2-in-1 वगैरह देख रहे हो तो एसुस वीवो बुक फ्लिप 14 इज़ द क्लियर विनर। और अगर आपको थोड़ा लिनोवो से ही थोड़ा लगाव है तो आप लिनोवो भी ले सकते हो, ऐसा कुछ खास खराब नहीं है, बाकी ये डिसाइड करना आपके ही ऊपर है। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लैपटॉप्स का मैंने दे रखा हुआ है, आप जाकर वहां से चेकआउट कर सकते हो और अपने कॉन्फ़िगरेशन आपको जैसा चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हो। फिलहाल अगर आप एसुस लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो के साथ एक लाइक करो, नहीं पसंद आए डिसलाइक करो, बट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन क्यों नहीं पसंद आई, और साथ में इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करो जिनको कोई 2-in-1 लैपटॉप वगैरह की खरीदने की जरूरत है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और ऐसे ही टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।